हम 15,280 फीट हाइट पर आ चुके हैं। मेरे सब गलत हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। नेटवर्क चले गए, मैं रील नहीं बन पा रही। जैसे हमने आपको बताया था कि हम ले जा रहे हैं, कहीं रास्ते में कल रात को रुक गए थे, और जहां हम डारचा जहां हम रुके थे वो जगह डारचा है। तो दोस्तों, ये वो ब्रिज है जो 2020 में माननीय राजनाथ जी ने उद्घाटन किया था। यहां पे पुलिस चेक पोस्ट है, यहां से जितनी गाड़ियां आती हैं पहले एंट्रियां होती हैं कि जो जो गाड़ियां ले जा रही हैं। ये देखें, ये वो जगह है जहां हमने थोड़ा रात को रेस्ट किया। देखें ये सुंदर सुंदर सुबह सुबह मॉर्निंग का नज़ारा। तो हम इस पुल पे वॉक करते हुए जा रहे हैं, पहाड़ों से आता हुआ पानी बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम दो चले आए, बाकी सारे लोग सो रहे हैं। हमें लगा कि हमें सुबह सुबह की मॉर्निंग एंजॉय करनी चाहिए। आप देखो, बिल्कुल हम रिवर के ऊपर आ गए। तो गाइज, हम लोग अब वहाँ से रास्ते से निकले और हमने यहाँ एक छोटी सी रिवर देखी, तो हमने यहाँ गाड़ी रोक ली। बड़ी प्यारी जगह है ये। पीछे ये लड़की को मैं दिखाना चाहूँगा, ये लड़की कुछ कहना चाह रही थी। हाँ भाई, मेरा सब गलत हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। नेटवर्क चले गए, मैं रील नहीं बन पा रही है। इसे बड़ा अफसोस है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है। मैं कपड़े चेंज कर रही, क्यों लाई हूँ मैं कपड़े? तो दोस्तों, जरा मैं जो लोग भी नेटवर्क भाई अरेंजमेंट करवाए प्लीज। हाँ, प्लीज। से हमारा अनुरोध है कि यहाँ पे नेटवर्क की तैयारी हो। भाई, हम जैसे लोग रील्स कैसे बनाएंगे? कम से कम इसने 2000 रील बना चुकी है। क्या फायदा आईफोन लेने का, इस फोन में क्या करूँ मैं रखकर? इसे इसमें पानी फेंक दे, पानी में फेंक दो। तो दोस्तों, देख रहे हो कैसे लोग बेताब है यहाँ नेटवर्क नहीं आने की वजह से। दोस्तों यहाँ देखो, इतनी धूप है, पानी इतना ठंडा है, ये कितना साफ भी है पानी के। एक एक इनके छोटे छोटे गहराई वाले पत्थर भी एकदम साफ नजर आ रहे हैं। ना कोई कीड़ा है, ना कोई पेड़ है, ना कोई पौधा है। तो ये दोनों भाई हैं और अब ये लोग कंपटीशन करना चाह रहे हैं, जो इन्होंने शायद बचपन में करे होंगे कंपटीशन, वो आज बड़े होकर करना चाह रहे हैं। रेडी, 1, 2 एंड 3। तो जीते हैं हमारे जेठ जी राहुल भैया। देख रहे दोस्तों, ये सारे पुष्पा बने हुए हैं। ए, झुकना पड़ेगा, 500 का नोट नीचे गिरा हुआ है। तो देखो जरा, ये भावना में बहता हुआ पानी में चला गया नहाने के लिए। ओहो, वेरी गुड, शाबाश। अब अंदर ही रह, कितनी देर रह सकता है ये देखना है ना। अब ठीक लग रहा है, एक बार और जाके दिखा। कम से कम 10 डुबकी तो लगा। अब तेरे को नींद नहीं आई, अब गाड़ी ढंग से चलाइयो। हाँ भाई, ज्योति ठीक करा इसने नाके। चलो अब इन पहाड़ों को अलविदा कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये आर्मी का एरिया है, आप देखें, जो हमारी सेफ्टी के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हम लेह लद्दाख जा रहे हैं तो किस तरह से ये रोड बने हुए हैं। सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है, या तो जा सकती है या आ सकती है। ये बर्फ बिल्कुल मेरे आंखों के सामने है। सांप सीढ़ी वाला जो रोड है, ये हमें खड़े नहीं होने देता। अब हम बर्फ के बहुत नजदीक आ चुके। बर्फ, ओ माई गॉड, कितनी बर्फ है। और दोस्तों, एक गाड़ी में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये शायद किस तरीके से इसकी हालत हो रही है, ये देखना। माय गॉड, इसका तो बलून भी खुल गया, ये भी डीएल नंबर थी। तो थोड़ा सावधानी से आए, असली मजा रास्तों का पहाड़ों पर। तो गाइज, हम लोग फिर एक ब्रेक के लिए रुके, थोड़ी सी छोटी सी जगह है। यहाँ बड़ा प्यारा मौसम और पीछे मेरे बर्फ के पहाड़ हैं। कुछ पहाड़ आपको ऐसे दिखाऊंगा जो मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से जले हुए से हैं, और लेकिन आप इधर देखेंगे तो हम इन सब पहाड़ों को क्रॉस करके आ गए। गाइस, एक ये बहुत गहरा गड्ढा है, हो सकता है ये बिल किसी सांप का भी हो। दोस्तों, ये जो पत्थर हैं आपस में एक दूसरे के साथ टिके हुए हैं, अगर एक पत्थर भी हिला तो सारे पत्थर धाएं धाएं नीचे आ जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे और रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। ये एक दोस्त मिले हमको, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह। इनका नाम अजीत, क्या हो गया भैया? इनकी गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है। मेरी बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो गई है। ओके, तो हम इनको डिस्चार्ज कैसे हो गई ऐसे ना? डिस्चार्ज ऐसे हो गई कि थोड़ा सा मौसम की ठंडी की वजह से, और मैं 2-3 बार से गाड़ी को ठंड लग गई, क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल। तो अब भैया को हेल्प करने के हम अपनी बैटरी दे रहे हैं, सेल्फ मारने के बाद भाई गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। चलो देखते हैं, गाड़ी फिर आगे निकल जाएंगे। अभिषेक का ये जुगाड़ काम आता है नहीं आता, अभिषेक और अजीत मिलके क्या कर पाते हैं? दोनों ए ए मिलके देखिए ए स्क्वायर होता है कि नहीं। मैंने तो ये हमारी गाड़ी पहली बार शायद खुली हुई देखी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं
अगर किसी की गाड़ी डिस्चार्ज हो जाए और ऐसा हो तो हम दूसरी गाड़ी को किसी से हेल्प ले सकते हैं। और ये कैसे करी जाएगी ये अभिषेक यहाँ बता रहा है, ट्यूटोरियल्स दे रहा है। ये क्या ना बैटरी का ही जैक, मैंने कितने नंबर की चाबी होनी चाहिए? 10-11 की चाबी हमारे पास होनी चाहिए। वो नीचे तो हल्का सा होगा कहीं से, ये हमारा ट्रिप मैनेजर दूसरों के ट्रिप का भी मैनेजर बना हुआ है, वैसे तो ये हमारे ट्रिप का मैनेजर होता है। हाँ मैनेजर साहिबा, क्या होता है यहाँ पे हमें वो भी देख रही है मेरा पति क्या क्या कर सकता है। हाँ भाई अभिषेक, तो क्या रहा गाड़ी का? मैं तो इधर आ गई थी तो मैं पूरा शूट नहीं कर पाई। इंडिगो थी, टाटा इंडिगो, डीजल इंजन, और उसमें क्या है उसमें कमी थी कि गाड़ी ठंडी करने पे ठंडे माहौल में स्टार्ट नहीं होती जल्दी। तो जब भी आप ऐसी गाड़ी लाएं प्लीज चेक करा के लाएं कि माहौल में जब आपका टेम्परेचर लो होगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। गाड़ी का गर्म होना और स्टार्ट होना बहुत जरूरी है, तो इसका बहुत ध्यान रखें आप, ये आवश्यक है। तो बहुत कशमकशों के बाद 25-30 सेल्फ मारे हमने। अच्छा। उसके बाद जाके कहीं वो स्टार्ट हुई। टाइम भी काफी लग गया तुम लोगों को? टाइम लगा उसके। हम थोड़ा सा चाय का आनंद ले रहे थे, चाय का आनंद ले रहे हैं, बट थोड़ा भी चलने पे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सांस की बहुत कमी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ऑक्सीजन लेवल वैसे यहाँ थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल डाउन है, रात को बहुत तो आप ज्यादा चल नहीं सकते इस जगह पे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखा जाए, मतलब जिसको थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो तो सिलेंडर जरूर लाएं। ऐसा लग रहा है शरीर में पानी की बहुत कमी हो रही है। और पानी भी साथ के साथ पीते रहें तभी आप स्वस्थ रहेंगे। मतलब अगर लेह लद्दाख तक आपको ट्रिप करना है तो बहुत ही सावधानी और बहुत जरूरी है, मतलब सारी दवाइयाँ आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि मेनली ये ड्राई फ्रूट से क्या रहता है कि हमारा हम चुभी करते रहते हैं तो ये सब नसें गला कान खुला रहता, सब खुला रहता है। अब आप ये देखें कि छोटे छोटे ये कैंप लगे हुए हैं जगह जगह पे, इन कैंपों में सिर्फ आप एक रात स्टे कर सकते हैं और फिर अगले दिन सुबह मॉर्निंग में फिर चल, तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत लग्जरी लाइफ मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते ही पहाड़ों में लोग थक जाते हैं, तो जितना पॉसिबल होता है बस। रात को यहाँ ड्राइव करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, शाम के बाद जब भी अंधेरा हो जाए तो आप कहीं ना कहीं देख कर आप सुबह से लेके शाम के 4 बजे तक गाड़ी चलाएं, अदरवाइज फिर क्या है कि आपको कोई भी कॉटेज मिलना या जिस ड्राइव का मिल रहा है बस वहाँ पे लेके बुकिंग करा लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये देखो लोग कैसे आराम कर रहे हैं, पराठों का सेवन। ओहो ये जगह है, अगर कभी आप रास्ते में आ रहे हैं तो इस जगह आप रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप की डॉर्मेट्री मिलती है। आप इस जगह देखो बहुत सारे डॉर्मेट्री लगी हुई है, आप स्टे कर सकते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ी सी गाड़ी मैं भी चलाऊं 50-60 किलोमीटर। हाँ ये पीछे ये थक गया है बेचारा चलाते चलाते। तो देखो दोस्त रास्ते इतने खराब हैं, आप देखें सामने ऑफ लोडिंग का मजा आ रहा है, रास्ते तो है ही नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है ये तो पत्थरों में ही चल रहे हैं हम, रोड तो बनाई नहीं है कहीं। तो कैसा लग रहा है तुम्हें ऑफ लोडिंग करके अपनी गाड़ी से? अच्छा लग रहा है, पहली बार हम इस ट्रिप पे आए हैं तो थोड़ा मजा तो आ ही रहा है। तो गाइस आप देखें कितनी ऑफ लोडिंग है यहाँ पे, रास्ता देखें जरा, गाड़ियां ऐसे आ रही हैं लटक लटक के आ रही हैं। हमें भी ऐसा फील हो रहा है निकलेगी या नहीं निकलेगी, टायरों की वजह से दोनों साइड में जगह बन गई है, बीच में पत्थर है, और पानी बह रहा है, इसको नाला बोलते हैं यहाँ पे, नाला बह रहा है। और ये देखो एक ही गाड़ी की जगह, वो भी ऐसा लग रहा है फस फस के निकल रही है गाड़ी यहाँ से। दोस्तों लेह लद्दाख आना इतना आसान काम नहीं है जितना हमने सोचा था, बहुत मुश्किल डगर है लेकिन हिम्मत पूरी है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो ट्रक दिख रहा है आपको ये यहाँ फंसा हुआ है, जिसकी वजह से ये नीचे जहाँ पे आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ उतरने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह से ये ट्रक भी उतरने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये पेट्रोल वाला ट्रंक था और इसके चक्कर में पूरा जाम लग गया, उधर की गाड़ियां रुक गई,
ये देखें आप, लाइन से सारी गाड़ियां रुक गई हैं। ये देखें कितनी दूर का जाम है, हमारी गाड़ियां दोनों यहां खड़ी हैं। दोस्तों 2.5 घंटे के इंतजार के बाद गाड़ियां चलनी शुरू हुई हैं। बाइकर्स ने सेवा करी और सीधा कर दिया ट्रक को रस्सियों से खींच खींच के, उधर से आने दिया। अब कुछ छोटी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां आगे चली और फाइनली वो ट्रक आ गया जो ट्रक फंसा हुआ था। ये वो ट्रक है जो ऊपर खड़े हुए लोग, इस पे बड़ी मुश्किल से इसे निकाला गया है और फाइनली अब हम इस जाम से निकल गए। सो थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने ये हेल्प करी और गाड़ी को हटाया गया। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हम सुबह मॉर्निंग में उठे हैं क्योंकि कल रात को सारा फोन डेड हो चुका था, तो हम आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पाए। और ये जगह है पंख, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। हमारे यहाँ बहुत लोगों को परेशानी, दिक्कत हुई, मेरे को खुद दिक्कत हो रही थी। तुम क्या सुन रही हो? कपूर क्यों सुन रही हो? कपूर बहुत जरूरी है यहाँ आने के लिए, बिकॉज़ यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। गाड़ियों की हालत देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी से भरी हुई है, जुगाड़ जैसे पहले गाँवों में हुआ करता था। हाँ भाई शालिनी, तभी ठीक है? इसकी भी रात भर से पूरी रात वॉमिटिंग होती रही, ये भी बहुत ज्यादा वीक हो रखी है। ये लड़का भी बहुत, इसका भी एक तरफ की नाक वाक सब बंद है और इस लड़की के सर पे आप देख ही सकते हैं गमछा बंधा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा लें। और ये अनमोल, ये बेचारा कल दिन से ही परेशान है, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग। तो जब लोग आप लोग आए तो इन सब सारी चीजों का प्रिकॉशन लेके रखें ताकि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कपूर लेके जरूर आए, कपूर की तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि किसी भी तरह ऑक्सीजन कम हो तो उसे सूंघते रहें। और ये पहाड़ दिखाना चाहूँगा, कैसे छोटे छोटे से पहाड़, मिट्टी के से पहाड़, और हम बीच में ये छोटे छोटे से कमरे के रिजॉर्ट में हम रुके हुए। रिजॉर्ट कह लो या टाइम पास के लिए कह लो कि चलो ठीक है जो भी है हम रुके। आपको मैं ज़रा रूम की हालत भी दिखाता हूँ, एक एक उसमें चार चार पाँच पाँच बेड डाले हुए हैं। रोहित जी भी आराम कर रहे हैं, इनकी भी हालत बहुत ख़राब रही है। अब ठीक है रोहित जी? सांस की प्रॉब्लम सबको हो रही है, इसलिए अब हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, अब यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों देखो कैसे देसी जुगाड़ है, वॉश वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपना फेस वॉश। और ये लड़के ने मुंह रगड़ लिया और ये शाल नहीं, इसको मुंह धुलवाने के लिए ये हैंडपम्प लगा जरूर है लेकिन ये चल नहीं रहा जैसे गाँव में लोग करते थे। कुछ फील तो हमें गाँव का भी लग रहा है आज, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे ही हैं। तो नहाने का तो यहाँ प्रोसीजर है नहीं क्योंकि पानी इतना ठंडा है बहुत ज़्यादा, इसलिए सिर्फ ड्राई क्लीन करके ही काम चला रहे हैं लोग। अब इस समय पेंग में हैं और रात को हम यहाँ आ चुके थे, जैसा मैंने आपको बताया हम 15,280 फीट हाइट पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब आगे हम सीधा सोच रहे हैं लेह तक ही जाए, कोशिश हमारी यही है। बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, और शायद इतनी हाइट पे हैं हम इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, इसलिए हम यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना भी चाह रहे हैं। बोलने में भी दिक्कत हो रही है, चलने में भी दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो रहा है यहाँ पे।